नमस्कार, न्यूज रूट में आपका स्वागत है। नई दिल्ली से मैं हूं साकेत। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के बीच में इस उद्घाटन सेरेमनी को लेकर काफी तीखी नोकझोंक भी हुई थी। कहेंगे आज दिल्ली के इस सीनेचर ब्रिज को पूरी तरह से समर्पित कर दिया गया है। तस्वीरों में आपको दिखाने की कोशिश करेंगे दिल्ली के इस यमुना पुल के वजीराबाद वर्ल्ड क्लास सीनेचर ब्रिज इसे बताया जा रहा है। तौर पर आज इसे लेजर लाइट से इसको सजाया गया है और दिल्ली वालों के लिए बड़ी सौगात बताई जा रही है। और खासकर पिछले महीने से लगातार दिल्ली में ओकेजन सेरेमनी का इस तरह से इनॉग्रेशन किया जा रहा है। दोस्तों, सिग्नेचर ब्रिज की दिल्ली के लोगों को बहुत बहुत बधाई और दिल्ली नहीं देश के लोगों को बहुत बहुत तहे दिल से बधाई। अभी मनीष जी बता रहे थे कि दिल्ली को लाल किले के नाम से, कुतुब मीनार के नाम से जाना जाता है और अब सिग्नेचर ब्रिज के नाम से जाना जाएगा। लेकिन मनीष जी, मैं कहना चाहता हूं कि दिल्ली को नहीं, आज जब कोई भी पर्यटक टूरिस्ट फॉरेन कंट्री से इंडिया में आता है तो उसकी लिस्ट में सबसे ऊपर ताजमहल होता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि अब फॉरेन कंट्री से कोई भी टूरिस्ट भारत में आएगा तो उसकी लिस्ट में या तो नंबर एक पे या नंबर दो पे सिग्नेचर ब्रिज हुआ करेगा। ये जो ऊपर तक आप देख रहे हो ये कितने मीटर है, कितने मीटर है? ये 154 मीटर है। 154 मीटर ऊपर है ये। पूरी दुनिया में जितने भी इस किस्म के ब्रिज हैं उसमें सबसे ऊंचा ब्रिज आपका सिग्नेचर। सालों के लंबे इंतजार के बाद दिल्ली के बहुत प्रतीक्षित सिग्नेचर ब्रिज का रविवार को उद्घाटन तो हो गया, लेकिन इस दौरान काफी नाटकीय घटनाएं घटी। निर्माण का श्रेय लेने की होड़ नेताओं ने सियासी गरिमा को तार तार कर दिया। उद्घाटन समारोह में बिन बुलाए पहुंचे दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष और स्थानीय सांसद मनोज तिवारी को आप विधायक अमानतुल्ला खान ने मंच से धक्का दे दिया। तिवारी को पास खड़े पुलिस वालों ने आखिर जैसे तैसे बचा लिया और वहां मंच से गिरते गिरते मनोज तिवारी बच गए। हजारों की भीड़ के सामने जब ये वाकया हुआ उस वक्त दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भाषण दे रहे थे। तिवारी ने कहा कि वे अमानतुल्ला खान के खिलाफ FIR दर्ज कराने जा रहे हैं। आज ये झगड़ा क्रेडिट का नहीं था, आज तो सत्ता स्वागत करने का था, लेकिन जो अमानतुल्ला के द्वारा जो आज आम आदमी पार्टी ने मेरे ऊपर भिड़ंत हो गई थी। दरअसल स्थानीय सांसद और दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी बिना निमंत्रण के उद्घाटन स्थल पर पहुंचे। इस दौरान बीजेपी और आपके कार्यकर्ता एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। उद्घाटन स्थल पर धक्का मुक्की भी देखने को मिली जिसे पुलिस वालों ने रोकने की पूरी कोशिश की। लिहाजा तिवारी ने जहां आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और पुलिस पर धक्का मुक्की और बस चलूकी का आरोप लगाया, वहीं आपने तिवारी और उनके समर्थकों पर मारपीट और हुकन का आरोप लगाया। इस वक्त पूरे देश में दिल्ली विकास मॉडल की चर्चा जोर शोर से चल रही है। फिलहाल दिल्ली में इनॉग्रेशन सेरेमनी ओकेजन चल रहा है। चाहे ITO का स्काई वॉक ब्रिज हो या फिर रानी झांसी फ्लाईओवर या फिर पिंक लाइन शिव विहार त्रिलोक पुरी मेट्रो कॉरिडोर हो या फिर वो दिल्ली का वर्ल्ड क्लास सिग्नेचर ब्रिज, मेरे को बहुत बढ़िया खुश लगा। जैसे भी काम हुआ है किसी ने भी कराया मुझे इस बात से मतलब नहीं। मैं 15,000 रुपए कमाने वाला बंदा इस स्कूल को देखने आया हूँ और ये मेरे बच्चों के लिए, आने वाले मेरे भाई बहनों के लिए बहुत बढ़िया चीज बन गई। भाई 10 साल के इंतजार के बाद आज ये पुल खुल के सामने आया है,
तो पूरी जो यहाँ की निवासी है, चाहे वो नपार हो चाहे आपका नॉर्थ कैंपस हो, सभी स्कूल को उत्साहित है क्योंकि इस स्कूल ने जो हमारे आगमन का समय है वो कभी कम कर दिया है। इससे पहले जो छोटा पुल था उसको लगी समस्या इतनी थी, आए दिन हादसे होते थे हम पुलों पे, वो हादसे बंद जाएंगे। और दूसरा ये जो पुल है वो पूरे विश्व के लिए एक लैंडमार्क होगा साबित। जहाँ हम जल्दी निकलते थे अब थोड़ा टाइम से निकलना पड़ेगा और समय की बचत होगी हमारी। सवेरे अब शाम को निकलते थे वहाँ 7 बजे 10 बजे घर पहुँचते थे जाके, अब कम से कम थोड़ा टाइम की बचत होगी, इससे बहुत सहूलियत मिलेगी। ये पुल बनने से इतनी सहूलियत होगी, यहाँ से एक घंटा लगता था जाम में, अब 2 मिनट में पार कर देते इतनी, और इतना बढ़िया बनाया है, 2-2 घंटे 2.5 घंटे जाम में खड़ा होने के बावजूद भी कभी स्कूल बंद हो जाता था, इतनी परेशानी होती थी, पहुँच जाते थे घूम के आना पड़ता था, वहाँ से कश्मीर गेट से घूम के आना पड़ता था, अब यहाँ से 5 मिनट में मैं वहाँ पे मुखर्जी नगर होकर आया हूँ। तो इस पुल को लेके आज आप लोग कितना खुश हैं? दिल्ली के लिए बड़ी सौगात मानी जा रही है। जो पहले दूरियां घंटों में तय होती थी अब वो मिनटों में तय होंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नई दिल्ली से ताकत सक्रिय कर दीजिए इशाकर और रखिए अपना ख्याल। बी अलर्ट बी केयरफुल। कैमरा पर्सन चांदनी के साथ नई दिल्ली से मैं ताकत सक्रिय, न्यूज़ बुलेटिन दिल्ली।